हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सौरभ राय और आप देख रहे हैं मेरे व्लॉग्स। आज की तारीख है 25 सितंबर, सुबह के टाइम नहीं मालूम मुझे, मेरे ख्याल से 6:30 के आसपास हो रहा है। और आज का हम लोग का प्लान है एक आउटिंग जाने का। तो एक जगह है 2J जहाँ पे मैं नॉर्मली बाइक लेके जाता हूँ, तो वहाँ पे आज हम लोग कार लेके जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो चालू करते हैं। Say hi. Hi yo. Hi. तो अभी हम लोग निकल गए हैं 2J के लिए। 2J में 3-4 फैमिली अट्रैक्शन है। एक फार्म है वहाँ पे जहाँ पे होपफुली सैज को मजा आएगा, और एक ट्रेन राइड भी है। आई एम नॉट श्योर ट्रेन राइड अभी चल रही है कि नहीं, अगर चल रही होगी तो वहाँ पे बैठेंगे, अदरवाइज विल स्किप इट। और ये मेरा नया GoPro का सेटअप है गाड़ी का, तो लेट मी नो हाउ द वीडियो इज लुकिंग। सब लोग सब कुछ दिख रहा है पूरा वाइड एंगल। It's very, very, very famous coffee shop. Look at the line. तो अभी हम लोग का प्लान था आने का यहावा कॉफी लेने के लिए, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा मैसिव लाइन है। तो not that big. Just few maybe not. तो चलो यहाँ पे लाइन में लग जाते हैं। They are going good for some coffee. तो किस इस टाइप की लाइन है आगे यहावा हम लोग आए हुए हैं। संडे का दिन है तो और मेघा से ज्यादा भीड़ है। Hi, how are you? Can I please have two regular, oh sorry, two large cappuccino? And we'll also have a berry smoothie. And तो अभी यहाँ पे बन रहा है हम लोग का शेक और कॉफी। I'll try and show inside. यहाँ पे बना रही है वो शेक आगे, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे बन रही है कॉफी। Awesome, thank you. Strawberry, shake. Awesome. Thank you very much. You too. See ya. काफ़ी फनी सेइंग लिखी है, समटाइम्स आई वेक अप एंड थिंक मे बी आई वोंट हैव अ कॉफी देन आई लव, बिकॉज इट्स गुड टू टेल योरसेल्फ समथिंग फनी इन द मॉर्निंग। All at high speed, I've been working hard, yeah, I've been working nightly, if you think you'll win, ha, nah. तो अभी हम लोग 2J रोड पे मुड़ गए हैं। जब हम लोग ने फोकस देखा था फ्राइडे को तो आज दिखा रहा था बारिश, बट काफ़ी अच्छा नाइस एंड सनी दिन है, तो होपफुली ड्रोन शॉट भी आएंगे अच्छे अच्छे। तो हेडिंग टूवर्स 2J, 70 किलोमीटर के आसपास है, तो अराउंड 8 घंटा लगता है पर्थ से। अरे तो रास्ते में एक जगह आती है जिसका नाम है नोबल फॉल्स। सो एक सिटी है गिजगेनप, तो वहाँ पे हम लोग रुकेंगे, फॉल्स देखेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी टू 2J। तो होपफुली ज़्यादा भीड़ नहीं हो। और तो अभी हम लोग नोबल फॉल्स आ गए हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है आज, मे बी संडे है, मे बी लॉन्ग वीकेंड है इसकी वजह से भी। और देखते हैं ऐसा कुछ दिखता है, और मे बी विल गो ओवर दैट साइड। और यहाँ पे अच्छी बात है कि यहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटीज़ भी है, तो दैट्स गुड। वी विल गो ओवर दैट साइड एंड टेक सम ड्रोन शॉट्स मे बी। तो नोबल फॉल्स में यहाँ पे एक वॉकिंग ट्रेल भी है, जो अगर किसी को ट्रैकिंग करनी है तो अभी नहीं बट ज़रूर बाद में आएंगे। और ये है यहाँ पे पानी, नो डाइविंग। और ये है मेरे पीछे नोबल फॉल्स, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सीनिक। Blooded icy, watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The पानी काफी ज़्यादा क्लियर है, पूरा इसके जो बेस है वहाँ तक दिख रहा है। उस साइड एक बड़ा रॉक है, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से ड्रोन उड़ाने के लिए काफी सेफ रहेगा। तो विल गो देयर एंड टेक सम शॉट्स। बहुत ही सीनिक है, बहुत ही शांत है, इट्स वेरी नाइस। Following grows, they know how to ignite me. हम लोग ब्रिज पार करके इस साइड आए हैं, तो यहाँ पे ऊपर जा रही है वॉकिंग ट्रैक, बट हम लोग को एक सामने भी है वॉकिंग ट्रैक, बट हम लोग को बस सामने वाले पत्थर पे जाना है। अभी मैं थोड़ा ओपन स्पेस में आया हूँ, तो यहाँ से ऐसा कुछ दिख रहा है और ऊपर जा रहा है वॉकिंग ट्रैक। सोनी और साहिश लोग यहाँ पे यहाँ से आ रहे हैं। Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a f***ing name, I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame, no I'm not that vain, I just wanna be greatness, I just wanna be greatness, I just wanna be greatness.
ओके, तो ड्रोन शॉट्स मैंने ले लिए हैं, जो छोटी स्क्रीन है उसमें तो काफ़ी अच्छे दिख रहे थे, तो होपफुली आपको भी पसंद आए हों। और ये है सोनी, यहाँ पे एंजॉय करते हुए विसाश एंड सैमसन ओवर देयर, मस्त है ना। सोनी और साइश यहाँ पे प्लेग्राउंड में नहीं गए, सैमसन गया अभी टॉयलेट में, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाएगा, उसके बाद अभी हम लोग का प्लान है नेक्स्ट स्टॉप वुड बी 2J, सो या लेट्स गो देयर। ऑलराइट, तो अभी हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, अभी नोबल फॉल्स यहाँ पे 2J रोड पे आता है पर्थ से अगर निकलेंगे तो, और काफ़ी अच्छा पिकनिक स्पॉट है फैमिलीज के लिए। और यहाँ पे जो ट्रैकिंग है अराउंड 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, बट 45 मिनट्स लगता है क्योंकि वो हिल पे है, तो अगर किसी को ट्रैक करने का शौक है तो भी यहाँ पे आ सकते हैं, अपने यहाँ पे पिकनिक करो, यहाँ पे ट्रैक करो, टॉयलेट फैसिलिटीज हैं, तो इट्स क्वाइट गुड, है ना। मज़ा आया, पीसफुल। और यहाँ पे सोनी कितना 8 साल हो गए हैं इसको मेरे ख्याल से, यहाँ पे 7-8 साल, और दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर कमिंग हियर। मैं पहले आ चुका हूँ, बट मैं जब नॉर्मली बाइक राइड्स पे आता हूँ तो मैं आता हूँ यहाँ पे, फैमिली के साथ पहली बार है। ओके, तो अभी हम लोग 2J पहुँचे नहीं हैं, अभी बीच रास्ते में कहीं पे रुके हुए हैं, थोड़ा फोटो सेशन के लिए, काफ़ी सुंदर जगह ये, आई शो यू। I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only 1%. I'm gonna take shots if I miss all. Forget it, I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up. Alright, drone shots le liye hain, काफी मस्त दिख रहा था, तो I'm sure अच्छे ही आएंगे। और hopefully now next stop would be 2J. ऐसा संडे का दिन है, हम लोग कोई रश नहीं कर रहे हैं, आराम आराम से जा रहे हैं, भूख भी लग रही है, जाके पाए खाते हैं। और अभी विंटर का सीज़न जस्ट ख़त्म हुआ है और बारिश भी ख़त्म हुई है, तो इसकी वजह से जो पहाड़ हम लोग देख रहे हैं बाहर, सब के सब पूरे ग्रीन है। यही सोनी बोली थी कि यही 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद देखेंगे तो सब कुछ पूरा ड्राई अप हो जाएगा, तो आई थिंक राइट नाउ इज़ अ परफेक्ट टाइम टू पे विजिट टू 2J। अभी मेरे ख्याल से कैमरा जस्टिस नहीं करेगा, मैं दिखाता हूँ, ट्राई करूँगा, मैं ड्रोन शॉट्स में दिखे होंगे कि कितना ग्रीन, लश ग्रीन है अभी, तो हाँ बहुत बहुत ज़्यादा स्कॉटलैंड टाइप लग रहा है पूरा। और तो मैंने अपने ड्रोन कैमरा सब रख दिया है अंदर बूट में, थोड़ा सेफ रहेगा। और यहाँ पे हम लोग ने पार्किंग में लगाई है गाड़ी अभी, और अभी हम लोग जा रहे हैं सिटी में। ये हिस्टोरिक टाउन है, यहाँ पे ये पोस्ट ऑफिस है, ये सब 1800 में इस्टेब्लिश है, और हम लोग पीछे भी एक दो क्या बोलते हैं बिल्डिंग्स देखे थे, सब 1800 लेट 1800s में इस्टेब्लिश है, तो इट्स वेरी हिस्टोरिक, इट्स वेरी बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल अलग फील आता है यहाँ पे आने के बाद। पुराने टाइप का एक यहाँ पे टेलीफोन बूथ भी है, सोनी तुमने कभी देखा है ऐसा? नो। काफ़ी छोटा सा टाउन सेंटर है, यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है, एम्बुलेंस का है, और यहाँ पे ऑप शॉप है, और जो पाइश की दुकान है जहाँ पे हम लोग जाते हैं, और जहाँ पे मैं जाता हूँ, और नॉर्मली जब मैं आता हूँ तो मैं बाइक साइड पार्क करता हूँ जहाँ पे अभी बाइक्स पार्क्ड हैं। अभी जाते हैं, लेट्स गो एंड हैव समथिंग टू ईट। है पाई की दुकान यहाँ पे, जो सबसे अच्छी फेमस बेकरी है, तो यहाँ से हम लोग ड्रिंक लेते हैं, और आगे सारी ये जो पाइज हैं, तो बाहर अभी सारी सीट्स फुल है, बट मे बी हम लोग यहाँ पे बैठ जाएंगे। तो अबाउट टू पे फॉर आर पाइज, और तो ये मिली है हम लोग को सीट, यहाँ पे बैठ के हम लोग खाएंगे पाई इन द सन। लाइन में लगे हैं सेकेंड के लिए, तो यहाँ पे एक एप्पल पाई का इन लोग ने कॉम्पिटिशन जीता है, और बेस्ट बेकरी नेशनल अवार्ड। भीड़ देखे आपको लग जा रहा है कि ये कितना फेमस दुकान है ये। और खाना खा के हो गया, थोड़ा ज़्यादा ही खा लिए हैं, और अभी हम लोग का प्लान है जाने का फार्म में, सो या शुड बी फन। दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये होटल है, विक्टोरिया होटल, एस्टेब्लिश 1888, दैट्स हाउ ओल्ड द टाउन इज। पुराने ज़माने का मॉनिटर जो गोल घूमता था यूनिट्स मेजर करने के लिए, ओनली इन 2J। और ये अक्रॉस द रोड एक पुराना फायर स्टेशन दिख रहा है मुझे, यहाँ साइन दिख रहा होगा, और अभी नहीं है, इसके राइट हैंड साइड पे ये एंट्रेंस है, आई एम प्रीटी श्योर फॉर द फायर ब्रिगेड, बट ये अभी बंद हो गया है, या आई थिंक कोई ऐसा गिफ्ट शॉप टाइप का मुझे दिख रहा है, तो
हाँ मसफ क्लोज्ड। तो अभी हम लोग आए हैं वापस पार्किंग एरिया में, गाड़ी उठाएंगे जाएंगे फार्म में, वहाँ पे जाके साहिश थोड़ा टाइम पास करेगा, उसके बाद हम लोग वापस घर। अरे तो यहाँ का जो पाए शॉप है या फिर जो बेकरी है वो काफ़ी सारे अवार्ड जीते वहाँ पे, और यहाँ की पाए होती है अल्टीमेट, इसलिए हम लोग ने, हम लोग का लंच ही था ये बेसिकली, तो इसलिए हम लोग ने दो दो पाई दबाई हैं, और हाँ बहुत बहुत मस्त टेस्ट में था। इवन इतना छोटा टाउन है 2J, तभी भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी जैसे मैंने दिखाया पहले। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे फार्म, तो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, तो या विल सी यू देयर। तभी हम लोग आ गए हैं ये फार्म, इसका नाम है फेरी टेल पार्क या फेरी टेल फार्म। तो जाते हैं अंदर, यहाँ पे $12 या $13 है एडल्ट की एंट्री, और बच्चों की आई थिंक अराउंड 5 के आसपास है। अंदर जाते हैं उसके बाद डिटेल्स में डिस्कस करता हूँ। तो ये रहा डिटेल, एडल्ट $12, बच्चों का $9, अगर 2 साल से छोटे बच्चे हैं तो फ्री। तो लेट्स गो इनसाइड। तो अभी लेके हम लोग जा रहे हैं बाहर, एक पैलेट्स दिया है एनिमल्स को खिलाने के लिए, तो लेट्स गो इनसाइड। तो ये सब बच्चों के नर्सरी राइम्स के लगे हुए हैं यहाँ पे, ये शू मेकर, ये जैक एंड जिल थीम का पूरा सेटअप है, ये आगे यहाँ पे लिटिल रेड राइडिंग हुड, और उसके आगे एक और कुछ, तो ऐसे लाइन से बने हुए हैं। स्नो वाइट और 7 ड्रॉफ का बनाया हुआ है, जहाँ पे जो 7 ड्रॉफ है मेरे जैसे वो जा रहे हैं माइंड में, और यहाँ पे है मैसिव मैसिव डक्स और गूज, और ये क्या, ये टर्की लग रही है मुझे, अरे बाप रे। इन सब लोगों को पता चलेगा कि ये लोग वीडियो में आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा मेक सम नॉइज कर रहे हैं ये लोग। मेरे बाप रे, ये अटैक करने आई है। और यहाँ पे सोनी और साहिश इसको, इन लोगों को खाना खिलाते हुए, बदतमीज डक्स को। और यहीं पे डक्स के बाजू में यहाँ पे एक पोनी भी है, इस पर लिखा है कि डू नॉट फीड, क्योंकि वो खुद ही घास खा रहा है, और साहिश और सोनी वहाँ पे टाइम पास। और वापस डक के इंक्लोजर में, तो ये बंदे एक हुआ करता था माइनर, जिसको सारी डक्स मिल के खा गई हैं। सैमसन स्टे अवे। और यहाँ पे साहिश को बहुत मज़ा आ रहा है, ये वाली गोट बहुत ज़्यादा भूखी है, और साहिश इसी को खिला रहा है, बच्ची, सॉरी नॉट गोट, शीप आई थिंक इट इज़। अभी खिला के ख़त्म हो गया, और साहिश कर रहा है अभी पैट सारी गोट्स को। और यहाँ पे मेरे सामने बाबा ब्लैक शिप का पूरा लगा हुआ है, और ये क्या है, जिंजर ब्रेड मैन। तो बेसिकली ये किसी का घर है, सामने यहाँ पे घर है, यहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोई कोई अपना एज अ पर्सनल रेसिडेंस के लिए यूज़ करता है। और यही फार्म को इन लोग ने एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया है, तो यही सब अपना गोट को खिलाओ, डक्स हैं, चिकन्स हैं, और नर्सरी राइम थीम्स का इन लोग ने सेटअप किया हुआ है, तो प्रिटी गुड। घर बैठे बैठे अपना एक बिजनेस रन हो रहा है इन लोग का, तो वेरी स्मार्ट। यहाँ पे इन लोग ने ये मैजिकल फेरी गार्डन टाइप बनाया हुआ है, और इस साइड ये सब मोस्टली रेस्क्यू एनिमल्स है, सोनी बता रही थी, ये सब यहाँ पे छोटी छोटी गोट्स हैं जिसको साहिश पैट कर रहा है, फीड कर रहा है, मस्ती कर रहा है। और यहाँ पे साहिश आया चिकन देखने के लिए, और इन लोग का साइज़ देखिए, मालूम नहीं इस कैमरे में पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बट मैसिव, ये बेसिकली छोटे कुत्ते साइज़ के चिकन हैं ये सब। यहाँ पे इन लोग ने पुराने बाथटब्स को पॉट्स में बना दिया है, कन्वर्ट कर दिया है, क्वाइट स्मार्ट, तुम भी कर लो। साहिश अभी बनी के पास ही है, और इस साइड जस्ट अक्रॉस दी रोड, अक्रॉस अ पाथ, यहाँ पे चिड़ियाओं का इंक्लोजर है, और सामने लोग बैठ के पिकनिक चिकनिक भी कर रहे हैं। सोनी मामी आगे चली गई है, तो साहिश को बुलाते हैं और जाते हैं वहाँ पे। इस साइड यहाँ पे मिनी गोल्फ खेलने का भी है, और सामने कुछ फैमिलीज बैठ के अपना पिकनिक इंजॉय करी है, साहिश जाके उन लोग के पास चिपक गया है, तो उसे बुलाते हैं अभी। इस टाइप का है कुछ मिनी गोल्फ का जो एरिया है, कुछ बहुत एक्सट्रैविगेंट नहीं है, छोटा सा ही है, जाके वहाँ पे कोई शेड है जहाँ से क्लब्स ले सकते हैं, अभी हम लोग का तो मूड है नहीं। और इसी के सामने एक और कोई तो गेम खेलने का एरिया है, आई एम नॉट श्योर वेयर,
तो टू बी ऑनेस्ट विथ यू, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट नहीं है ये, बस काफ़ी सिंपल टाइप का सेटअप है। अगर फैमिली के साथ पिकनिक करना है तो अच्छा है, अदरवाइज $12 पे करके आई डोंट थिंक इज़ टू वर्थ इट। पर्थ में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप एनिमल्स को खाना खिला सकते हैं, तो नथिंग न्यू, नथिंग स्पेशल। शो बुलाया बट जाके वापस वही बच्चे के साथ जाके खेलना चालू कर दिया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा कुछ यहाँ पे है तो नहीं, तो मे बी थोड़े बहुत ड्रोन शॉट्स लेते हैं, देखते हैं ऊपर से कैसा दिखता है ये जगह, उसके बाद विल मेक अ वे बैक होम। ओके, तो अभी मैं फार्म पे था, वहाँ पे ड्रोन शॉट लेने का हम लोग ट्राई कर रहे थे और मैंने ड्रोन को उड़ाया। और ड्रोन इवन दो ये DJI 3 है जिसमें सारे सेंसर्स हैं, ये टकरा गया एक पेड़ से और मेरी बहुत मेजर फट गई थी और मुझे लगा कि गया ड्रोन, एक महीने के अंदर मैंने बर्बाद कर दिया या फिर तो विंग्स रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी मैं रुका था ड्रोन को चेकआउट करने और थैंक गॉड ड्रोन ढंग से उड़ रहा है, कोई ड्रामा नहीं है, कोई इशू नहीं। विंग्स पे थोड़े बहुत चिप्स हैं बट कोई आराम से उड़ रहा है उसको, मे बी बाद में मेरे पास पैर विंग्स है उसको रिप्लेस कर देंगे, बट एनीवे नो डैमेज डन, दैट्स द मेन थिंग। और एनीवे लेसन लर्न्ड आई थिंक, अभी थोड़ा देखना पड़ेगा फ्यूचर में कि जहाँ पे भी उड़ा रहे हैं वहाँ पे खुली जगह हो वहीं पे उड़ा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो नाउ बैक होम। और अभी हम लोग थक थका के वापस घर में आ गए हैं, अराउंड 2:30 बज रहा है, 2:45। तो काफ़ी मस्ती रही, काफ़ी मज़ा आया। और चलिए आज के इतने रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए लाइक, बहुत पसंद आया कर दीजिए शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुलाकात होती है अगले वीडियो में, बाय।